अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम और पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ कढ़ी की ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर की थी ना, तो वही वाली कढ़ी जो है बच गई थी और आप सोच रहे हो कि कितनी तारीफ़ कर रही है बाजी। तो मुझे जो है ना वो कढ़ी बहुत मज़ेदार लगी थी, बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ की थी उसकी, तो बस वही वाली बची हुई थी कढ़ी ब्रेकफास्ट में। और आपको पता है कि सुबह नाश्ते के टाइम में ना जो बची हुई कढ़ी होती है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो वो वाला सालन गरम कर रही हूँ। और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं घी वाली रोटियाँ बना रही थी, आज मैं पराठे नहीं बना रही थी क्योंकि पराठे जो है ना वो फिर मैं सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम हो जाता है और जो इस तरह घी वाली रोटियाँ होती है ना उसके ऊपर तो काफ़ी कम भी लग जाता है, तो वो जो होता है ना घी वाली रोटी बन जाती है। तो फिर बस मैं ना आजकल पराठे जो है थोड़े से अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी दिल चाहे तो फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी भी मज़ेदार सी हमारी गर्म हो गई है, तो बस अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे बैठ के। तो आज जो मेरे हस्बैंड है वो भी घर पे थे सुबह के टाइम पे, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि बच्चों के पेपर आ रहे हैं और इतना ज़्यादा सिलेबस मिला हुआ है ना कि मैं तो एकदम से देख के हैरान परेशानी हो गई थी और क्योंकि पढ़ाना मैंने होता है ना, तो फिर मुझे होता है कि बच्चों को एक एक चीज़ आनी चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो बस फिर मैंने उन दोनों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था और जो है ना मैं फिर यहाँ पे अपनी साफ़ सफ़ाई करने के लिए आ गई थी घर की, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो सो गए थे। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तो दिन का सोए रहते हैं। एक बेचारा बंदा सोया रहे तो उसने फिर क्या ही तंग करना है ना, है ना। तो हमारा संडे तो ऐसे ही गुजरता है, मेरे हस्बैंड को मैं ना जगाती हूँ कि नाश्ता रेडी हो गया है तो नाश्ता कर लें, और फिर वो उठ जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करते हैं कि मैं अभी नहीं उठूंगा, नाश्ता नहीं करूंगा तो नाश्ता करते हैं ऑन टाइम पे एंड देन फिर वो जो है ना थोड़ा सा अपना मोबाइल यूज़ करने के बाद फिर से सो जाते हैं और फिर उन काफ़ी टाइम सोते हैं और फिर जो है ना वो शाम के टाइम पर उठते हैं। तो इस तरह फिर वो मुझे तंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं और मैं उनकी रूटीन की भी काफ़ी आदी हो चुकी हूँ। और मुझे जो है ना वो फिर अब थोड़ा सा वो ज़्यादा देर के लिए उठ जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ पता नहीं आज क्यों इतने एक्टिव होकर बैठे हुए हैं, क्यों उठे हुए हैं। तो ये है कि सबकी लाइफ ऐसी होती है, अक्सर खवातीन कह रही होती हैं हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, हस्बैंड ऐसे करते हैं, संडे वाले दिन जो है वो फैमिली का टाइम होता है तो हस्बैंड तो सो के गुजार देते हैं या मोबाइल्स पर लगे रहते हैं। तो ये हर घर की कहानी होती है मेरी प्यारी बहनों, हर घर में ही यही हो रहा होता है, हर इंसान में अच्छी बातें भी होती हैं बुरी बातें भी होती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरे हस्बैंड जो है अगर वो ज़्यादा सोते हैं तो मैं बोलती बहुत हूँ, इतना पकाती हूँ ना उनको, इतना बोलती हूँ। और मैं वैसे इतना नहीं हूँ, इतना नहीं बोलती लोगों के दरमियान में, बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड की जहाँ पे बात आती है ना तो फिर बस उनसे सारी मैंने बातें करनी है, फिर चाहे वो ससुराल की हो, मेके की हो, मेरी अपनी हो, हमसायों की हो, सब मैंने करनी है। जबकि वो बेचारे कम बोलते हैं और वो ज़्यादा फिर मेरी सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, तो ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी सुन लेते हैं और सुनते ही रहते हैं फिर मेरी स्टोरियाँ जो जो मैं उनको सुनाती रहती हूँ। तो बस इसी तरह जो होती है ना हर बंदे की अपनी अपनी एक आदत होती है, एक उसकी नेचर होती है। तो हम बीवियों का होता है ना कि हमें कोई बैठ के सुनता रहे, और हस्बैंड का ये होता है कि हम सोए हों या फिर हम जॉब से आए तो हमें कोई तंग ना करे मोबाइल यूज़ करने से, और हम जो है अगर सो रहे हैं ना तो बेगम बस अब सर पर सवार होकर हमें उठाती ना रहे। तो इसलिए जो होता है ना कि ये टाइम दे दें टाइम दे दें टाइम नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता, तो इन चीज़ों को छोड़ दिया करें बिल्कुल ना। मुझे भी शुरू शुरू में ये वाली प्रॉब्लम होती थी कि भई ये सोते बहुत हैं और मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन अब मेरे पास खुद इतना कम वक्त होता है ना, मेरे बच्चों को पढ़ाना भी है स्कूल का, सपारा भी पढ़ाना है, देन मैंने ना अपना यूट्यूब जब से शुरू किया है ना तो मेरे पास तो खुद वक्त नहीं होता, मैं तो खुद बड़ी बिजी बंदी हूँ और मेरे पास मैं हस्बैंड को कह रही होती हूँ कि भई आप जाके सो जाएं प्लीज़, आप जो है ना मुझे अब काम करना है और मेरे पास तो खुद भी वक्त नहीं है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, एक दूसरे को समझा करें, एक दूसरे को जो है ना वो तारीफ़ किया करें एक दूसरे की अच्छी चीज़ों की, और हर वक्त एक लकीर को लेके पीटते नहीं रहना चाहिए। और फिर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर हस्बैंड हमारे बारे में बातें करना शुरू कर देना तो फिर हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर ना बीवियाँ की शिकायतें बहुत होती हैं लेकिन हस्बैंड की इतनी शिकायतें नहीं होती हैं जो कि आमतौर पर देखा गया है। क्योंकि बीवियाँ जो होती हैं ना वो तो बहुत शिकायत करती हैं, आप ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो लेकिन हस्बैंड इतनी शिकायतें नहीं करते हैं, वो बेचारे बद मज़ा खाने खा के भी कहेंगे कि वाह क्या बेगम तुमने खाना बनाया है और जो है ना वो ये नहीं कहेंगे कि भई आप तो मेरे लिए तैयार नहीं होती हैं, ये क्या गंदी बैठी हुई हैं, और इस चीज़ की भी शिकायत नहीं करेंगे। हालांकि मैं समझती हूँ कि लेडीज़ को तैयार होना चाहिए, अगर हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होना तो फिर मतलब क्या आप तैयार होंगी ना, किसके लिए होंगी, शादियों पे होंगी। लेकिन जो हस्बैंड आपको दिल से तारीफ़ करता है और आपको अच्छा प्यारा सजा सवरा देखना चाहता है ना, लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करते बेचारे,
आप अपने घर की महारानी होती हैं, मलका होती हैं, बैठ के मोबाइल यूज़ करें, जब दिल चाहता है सफाई करें, जैसे दिल चाहता है अपने बच्चों को मैनेज करें। एक वक्त आता है हस्बैंड ये भी नहीं कहते कि तुम जो है ना वो बच्चों को डांट क्यों रही हो, बल्कि बेचारे खुद सहम जाते हैं जब हम लोग बच्चों को डांटते हैं ना, तो वो कहते हैं कि चलो लगी हुई है तो लगी रहे। तो फिर बस यही है कि शिकायतें सबको हो सकती हैं, हस्बैंड को भी होती हैं, लेकिन बेचारे ज़्यादातर चुप रहते हैं, और बीवियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हैं। तो बस जनाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इन्जॉय क्या करें, शिकवे शिकायतों में मत गुजारा करें। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो बस इसको शिकवे शिकायतों में मत गुजारा करें, एक दूसरे की तारीफ़ किया करें, और अगर कोई बात बुरी भी लगती है ना तो आप तो हम उसको ना एज़ अ फन और जोक बात करते हैं, मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ उनकी, और वो इतना खुश होते हैं ना, जो मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती ना तो मैं कहती हूँ आपने इस तरह करना है, तो मुझे ना फिर वो मजाक से कहेंगे कि 10 रुपये का और करके दिखाओ ना। तो बस ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसको इन्जॉय किया करें, और ये हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में, तो इसको लाइट लिया करें, बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। देखें यहाँ पे मसर लग गए मेरे प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर मेरा कितने अरसे से ख़राब है, और जो है ना मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा इसको ठीक करवाने का, और मैं ऐसे ही पकाई जा रही हूँ, सो आज ही मसर लग गए उसके नीचे जाके। तो कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने जो है ना वो फिर अलग से उसको पतीली में शिफ्ट कर लिया था, और ये था कि वो नीचे से जलने वाली स्मेल नहीं आ रही थी, बस पानी आपको पता है कि प्रेशर कुकर में ना दालें जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो ज़रा नीचे लग गए थे। तो ऊपर से भी मैंने मसर उतार के ना अलग से रख लिए थे, साथ में मैंने चावल बना लिए थे लंच में आज, और दाल चावल आपको पता है कि सबके फेवरेट होते हैं, कईयों को दाल चावल पसंद है, हमें तो खैर दालों में चने हो गए, मसर हो गए, और वो मिक्स वाली दालें हो गई, मसूर की दाल, सब दालें हमें पसंद है चावलों के साथ। तो यहाँ पर जनाब मैं आज बनाने लगी हूँ ट्राइफल, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बना था, और बस बच्चे और मेरे मियाँ तो ऐसी सजी सवरी चीज़ें खा कर बहुत खुश होते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, प्रेजेंटेशन करके बच्चों को चीज़ें खिलाया करें। वही एक रोटी जो हम रोज़ाना गोल बनाते हैं ना, उसको एक दिन स्क्वायर में बना लें, एक दिन ट्रायंगल में बना लें, एक दिन उसके ऊपर धनिया कोई ज़ीरा या कुछ ऐसा लगा के बना लेना, तो उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, और दूसरा कहता है कि अरे वाह इतनी ज़बरदस्त रोटी बनी हुई है, और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं कि शायद आज कोई नई सौगात बना दी है मामा ने। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो चलिए जी, ट्राइफल के लिए मैंने बना ली है 2 किस्म की जेलीज, एक मैंने बनाना जेली, एक स्ट्रॉबेरी जेली मैंने बना के फ्रीज़ कर ली थी, और ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है, ये भी मैंने बना लिया था। तो ग्लास में मैं इसलिए बना रही थी कि ज़रा लेयर्स नज़र आएंगी, और वही बात कि प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, वरना डोंगे में भी बन सकता था। तो नीचे मैंने एक कपकेक इस तरह चॉकलेट लगा लिया, ऊपर मैंने बनाना वाली जेली लगा ली थी, एंड देन फिर मैंने एक और कस्टर्ड की लेयर लगा के ना ऊपर स्ट्रॉबेरी जेली लगा ली है। तो अब मैं ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड डाल लूँगी, और फ्रूट में मेरे पास सिर्फ एप्पल पड़े हुए हैं, तो सो मैं वही एप्पल लगा लूँगी ऊपर, और साथ जनाब मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े हुए थे, और वो बादाम भी मैंने कटिंग करके ऊपर लगा लिए थे, और साथ में ना ये जो कैंडी बिस्किट थे ये थोड़े से मैंने क्रश किए हुए थे, ये भी ऊपर लगा लिए। तो बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो गई थी, हस्बैंड तो इतना उनको अच्छा लगा था ना, इतना पसंद आया था उनको, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सो जनाब यहीं पर वीडियो को आज की ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, न्यू आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बस अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे हेल्दी। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।